आज एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रायबरेली का बड़ा विकासखंड राही दो भागों में विभक्त है। इसके बीचों बीच साई नदी बहती है। यदि एक ब्लॉक के किसी व्यक्ति को दूसरे ब्लॉक में जाना पड़े तो बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। जैसे एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए 20 से 25 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता था, जबकि लुधवारी से मेजरगंज की दूरी 2 से 3 किलोमीटर थी। इस रास्ते में सई नदी पर नाव के द्वारा नदी पार की जाती थी। इस समस्या के निदान हेतु 9,80,00,000 की लागत से पुल का निर्माण प्रारंभ हो चुका है। इसी तरह अमावा ब्लॉक में बगई अलावरपुर महाराजगंज ड्रेन पर सदैव बांस के पुल से जान जोखिम में डालकर लोगों को पार करना पड़ता था। इस पुल के निर्माण के लिए दिनेश सिंह जी की मांग पर 3 करोड़ अवमुक्त कर दिया गया है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार का उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के प्रति धन्यवाद व्यक्त किया। जनपद रायबरेली में बहुत लोगों ने राजनीति की सम्मान पाया, रायबरेली जनपद के लोगों का वोट लिया, लेकिन रायबरेली जनपद की गंभीर समस्या का निदान करने में असफल रहे और इन गंभीर समस्याओं का निदान भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद देने के लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस आमंत्रित आज आप सबको आहूत किया था, बुलाया था। और मुझे यही कहना था कि रायबरेली जनपद का राही विकास खंड हमेशा दो भागों में विभक्त रहा है। बीच से नदी बहती है और आधा विकासखंड बाईं ओर, आधा विकासखंड दाईं ओर रहता है। और अगर एक गांव का आदमी दूसरे गांव जाना चाहे तो उसको 22-25 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता है। जैसे लुधवारी का आदमी अगर मेजरगंज जाना चाहे तो वो कम से कम 22 किलोमीटर सफ़र करेगा, जबकि दोनों के बीच में केवल 2-2.5 किलोमीटर का अंतर है। इस समस्या का निदान न रायबरेली के सांसद सोनिया गांधी ने किया, न कभी उन्होंने इस बात को सोचा। लेकिन जब हमने इस बात को हाउस में उठाया कि रायबरेली जनपद की इस नदी में अगर हमारे बच्चे नाव से जा रहे हों और भादों की नदी बह रही हो तो उन नाव पर बैठे बच्चों के माँ बाप के दिल में क्या गुजरती होगी, ऐसा महसूस मैंने कराया। और इस महसूस कराने के बदले उत्तर प्रदेश सरकार ने हमको इस पुल के लिए 9,80,00,000 रुपये दिए और आज वो पुल का निर्माण शुरू हो गया। राही विकास खंड की सबसे बड़ी समस्या का निदान उत्तर प्रदेश सरकार ने मेरे अनुरोध पर किया है, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद देता हूँ। इसी भांति अमावा विकास खंड में महाराजगंज ड्रेन एक बड़ी नदी के रूप में आकार ले चुकी है। उसके बगल में बगई अहरवाल गांव है, जिस गांव के लोग 40 बरस से बांस के पुल से हमेशा आते जाते थे और तमाम दुर्घटनाएँ भी हुई। उस पुल को भी उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वीकृत करते हुए 3 करोड़ रुपए उसके लिए भी अवमुक्त किए हैं और उस पर भी पुल का निर्माण शुरू हो गया है। दोनों पुलों का निर्माण शुरू होने से जनपद रायबरेली के लोगों में हर्ष व्याप्त है, सारे लोग खुश हैं। कम से कम अमावा राही दोनों ब्लॉकों के लोगों को लोग उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद देते हैं। मैं अपनी ओर से जनपद रायबरेली की ओर से धन्यवाद देता हूं कि जिस समस्या का निदान कांग्रेस ने सोनिया गांधी ने इतने वर्षों तक सांसद रहने के बाद भी नहीं किया, उसको बिना सांसद बनाए ही उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवा की है। इसलिए निस्वार्थ सेवा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री यशस्वी आदित्यनाथ जी का और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री कृष्ण केशव प्रसाद मौर्य जी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।